राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा जननायक कहे जाने वाले श्री राहुल गांधी जी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने सभी जगह पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने और बीजेपी द्वारा कार्रवाई करने की मांग की है। इसी तर्ज पर कल उकवा युवा कांग्रेस के तत्वाधान में युवा कांग्रेस नेता आकाश बारिक, उकवा सरपंच अनुसुईया छतरिया, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लक्की तिवारी, रहीम खान, गोकुल छतरिया, प्रतीक राउत, राहुल झारिया, रविंद्र उके, ऋषि अर्जुन, मन्ने, प्रदीप चौक से कांग्रेस जनों द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का रेंज ऑफिस चौक पर नारेबाजी कर रवनीत सिंह मुर्दाबाद के नारे के साथ पुतला दहन किया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष लक्की तिवारी द्वारा मीडिया को बताते हुए कहा कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी बीजेपी के नेता और उनकी मानसिकता के चाल चरित्र को दर्शाता है और साथ ही राजनीति में विपक्ष को लेकर बीजेपी के डर को दिखाता है। इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उकवा से साथी अशोक कामरे के साथ रिपोर्टर निखिल राज की खास रिपोर्ट। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसकी वजह क्या है? आज युवा कांग्रेस उकवा के तत्वाधान में हमने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। बीजेपी के एक विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा जो है उनकी जीप काट के लाने पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनके द्वारा भी उनके खिलाफ में बहुत आपत्तिजनक बयान दिया गया था। और साथ ही साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, इनके द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग और अभद्र भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के खिलाफ में किया गया था। तो उसी के विरोध स्वरूप में युवा कांग्रेस आज यहाँ उकवा में रेंज ऑफिस चौक में उनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम था। और साथ ही साथ हमने इसके पहले शुक्रवार के दिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। उन तीनों नेताओं के खिलाफ में FIR करने की मांग को लेकर के मैं सभी युवा कांग्रेस के साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और काफ़ी डायनामिक लीडर हैं। जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नागवार गुजरा है और गुजर रहा है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी लोकप्रियता इस प्रकार की बरकरार रहे। और इसी के खिलाफ में, इसीलिए वो उनके खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उल्टे सीधे भाषणों को दे करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम लक्की तिवारी, मैं विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस बैयर विधानसभा, और बाकी सब मेरे